नमस्कार एग्जाम जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101 प्रतिशत सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे ठीक है

पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन स्थायी शिक्षक बन सके तो प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दस मार्च बारह मार्च बाईस मार्च या इक्कीस मार्च ठीक है देखिए विश्व वन दिवस ठीक है वर्ल्ड यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डे कहा गया है विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपको बताना ठीक है ये प्रश्न जो है आपको यहाँ पर देखिएगा उत्तराखंड में आया हुआ है ठीक है और आपका बिहार में आया हुआ है ये दो जगह ये प्रश्न पूछा गया है विश्व वन दिवस तो यह जो आपको मनाया जाता है वो देखिए है इक्कीस मार्च इक्कीस मार्च को विश्व वन दिवस के नाम से मनाया जाता है झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन है आपको बताना है झारखंड राज्य में कितने क्षेत्रफल पर वन है तेईस हजार दो सौ तेईस हजार छः सौ पाँच बाईस हजार छः सौ पाँच या तेईस हजार आठ सौ चार ठीक है कितने किलोमीटर पर फैला हुआ है देखिए तेईस हजार ठीक है छः सौ पाँच दो तीन और छः यानी दो तीन छः याद रखिए दो सौ छत्तीस या नहीं तो देगा तेईस हजार छः सौ पाँच यानी तेईस हजार छः सौ पाँच वर्ग किलोमीटर पर झारखंड में वन का विस्तार है फैला हुआ है झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भाग पर वन है देखिए ये ये प्रश्न जो है आपको बता रहे हैं झारखंड में जो अभी तक एग्जाम हुआ है उसमें आपका लगभग 25 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया ये वन कितना प्रतिशत है ये बार बार पूछता है इसलिए हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए तो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये आपको पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है एन सी का इसलिए यहाँ से ज़्यादा भीड़ रहे हैं तो उनतीस कितना प्रतिशत भाग पर है उनतीस भाग पर जो है वन है यहाँ पर झारखंड में तो पूछा था कि झारखंड में कितना प्रतिशत भाग पर वन है इसका राइट आंसर उनतीस प्रतिशत हो जाएगा एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जाना और एक कड़ी के रूप में यह प्रक्रम चलता रहता है क्या कहलाता है ठीक है तो एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जाता है और यह क्या होता है एक कड़ी के रूप में कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जैसे हम लोग कहते हैं कि जो सांप ठीक है सांप किसको खा जाता है आप देखते हैं सांप जो है यहाँ पर छिपकीली सांप जो है यहाँ पर खा जाता है मेढ़क को और मेढ़क खा जाता है किसी कीट को तो इस तरह से एक प्रक्रम चलते रहता है घास को हिरण खा जाता है हिरन को यहाँ पर आप देखते हैं तेंदुआ खा जाता है तो इस तरह से क्या होता है एक प्रक्रम चलते रहता है कड़ी तो इस कड़ी को क्या कहते हैं हम लोग तो इस कड़ी को हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला क्या कहते हैं इसी को खाद्य श्रृंखला ना तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका इस कड़ी का नाम है खाद्य श्रृंखला ठीक है चलिए अगला देखिएगा पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं पेड़ पौधे किसका संतुलन करते हैं ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का ए और बी दोनों या कोई नहीं ठीक है तो देखिए पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन भी संतुलित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी संतुलित करते हैं ठीक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो संख्या है वो इसको अपने में लेते हैं और जो हम निर्मुख करते हैं वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं इस तरह से क्या होता है पर्यावरण को पूरा बैलेंस करके चलते हैं पेड़ पौधे इसलिए पेड़ पौधे यहाँ पर उचित मात्रा में जोड़ू लगाना चाहिए समान मात्रा में जिससे कि हम लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड भी समाप्त हो सके ठीक है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा निर्मुक्त करते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम निर्मुक्त करना मतलब छोड़ना या निकालना तो क्या वो निकालते हैं क्या वे निर्मुक्त करते हैं आपसे पूछा गया तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख प्रक्रम के द्वारा क्या निर्मुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन या जल वाष्प क्या करते हैं ठीक है तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है यहाँ पर जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में छोड़ते हैं और वायुमंडल से लेते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ये प्रश्न आपको बता दे रहे हैं एक सौ एक से ज़्यादा बार अब तक पूछ दिया गया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निर्मुक्त करते हैं या क्या छोड़ते हैं या क्या निष्कासित करते हैं बहुत तरह से पूछा जाता है तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे ठीक है क्या छोड़ते हैं ऑक्सीजन जो मानव के काम में आता है प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है आपको बताना है प्रकृति का फेफड़ा किसको कहा जाता है वायु को जल को वन को या सब भूमि को किसको कहते हैं ठीक है तो देखिए प्रकृति का फेफड़ा जो है यहाँ पर वन को कहा जाता है किसको कहा जाता है वन को कहा जाता है क्योंकि वन ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं और वन क्या करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए खराब चीज होता है उसको ग्रहण करके उसको हमारे लिए जो जरूरी चीज़ है वो छोड़ते रहते हैं इसलिए वन को प्रकृति का फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नोट्स बनाया हुआ हैं जो नोट्स परचेज करते हैं वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं इसलिए वनों को प्रकृति का फेफड़ा भी कहा जाता है वृक्ष जल को अवशोषित करते हैं वृक्ष जो हमारा होते हैं वो जल को किस प्रकार से अवशोषित करते हैं जल को किस प्रकार से सोखते हैं पत्ता के द्वारा तना के द्वारा जड़ के द्वारा या कोई नहीं किसके द्वारा पेड़ पौधे जो है जल का अवशोषण करते हैं तो पेड़ पौधे जो है या जल का अवशोषण जो होता है वो जड़ों के द्वारा करते हैं किसके द्वारा करते हैं जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे जल का अवशोषण करते हैं ठीक है अगला है ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या होता है ऑक्सीजन का बढ़ जाना सीओ टू का बढ़ जाना जल का बढ़ जाना या कोई नहीं ठीक है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से कोई हमें नुकसान नहीं होती है का कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो वायुमंडल क्या होगा ज्यादा गर्म हो जाएगा जब ज्यादा गर्म होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल का ज्यादा गर्म हो जाना, गर्म हो जाना। तो ही हो ग्लोबल वार्मिंग या उसी को कहते हैं विश्व उष्णन तो कार्बन तो डाइऑक्साइड की यदि अधिकता होगी तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखिएगा चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया मध्य प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा या कर्नाटक ठीक है ये चिपको आंदोलन भी एक हजार एक बार पूछ दिया गया इसलिए चिपको आंदोलन सारे नोट्स देख लेंगे लेकिन फिलहाल अभी जो पूछा गया उसको बताते हैं चिपको आंदोलन जो है ये कहाँ पर चलाया गया है उत्तराखंड में चलाया गया है यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया उत्तराखंड झारखंड हरियाणा या कर्नाटक एपिको आंदोलन तो देखिए एपको आंदोलन जो है पहले यहाँ पर कर्नाटक में चला गया आप सभी का एपी को आंदोलन इसका विशेष डिटेल्स अगले में आपको मिल जाएगा ठीक है झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है पर्णपाती वन आद्र पटड़ वन शुष्क पतझड़ वन या कोई नहीं ठीक है तो झारखंड में किस प्रकार के वन की अधिकता है तो झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं शुष्क पतझड़ वन क्या मिलते हैं आपको शुष्क पतझड़ वन झारखंड में सबसे अधिक मिलते हैं सबसे अधिकता इसी की होती है वन के संबंध में क्या सही है वन के संबंध में बोला जा रहा है कि इसमें क्या सही है वन मृदा अप्रदन से बचाते हैं वन पर्यावरण संतुलन भाग लगते हैं भौम स्तर को बनाए रखते हैं या सभी तो देखिए वन के संबंध में पहला बिल्कुल सही है वन यदि रहेंगे तो ये मृदा अप्रदन से बचाते हैं मृदा अप्रदन बहुत प्रकार से होता है जैसे अगर तेज वायु बहे तो ऊपर की जो ह्यूमस मिट्टी होती है उसको उड़ा करके ले जाते हैं तो यहाँ से मिट्टी का कटाव हो गया और दूसरे जगह पर पटक देते हैं तो इस तरह से क्या हो गया मृदा का अपरदन हुआ एक स्थान से दूसरा स्थान पर उपजाऊ मिट्टी कट कर चली जाती है उठ कर चले जाते हैं तो उसको अपराधन करता है इसलिए ये भी सही है वन पर्यावरण संतुलन भाग लेते हैं बिल्कुल सही है पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए वन जरूरी है क्योंकि वन जितना रहेंगे तो क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस निकालेंगे जिससे क्या होगा पर्यावरण में संतुलन बना हुआ रहेगा अगला है भौम जल स्तर को बनाए रखते हैं बिल्कुल सही है आपने देखा होगा कि एक जो है पहाड़ी इलाका है और एक जो है मैदानी इलाका है तो पहाड़ी इलाका में देखिएगा जल का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल के स्तर को क्या करते हैं पानी रखते हैं और रिश्ते हुए रखते हैं इसलिए वहाँ पर ज़्यादा होता है मैदानी इलाका से जितना पानी होता है वो क्या होता है बाहर निकल जाते हैं और बाढ़ के द्वारा दूसरे जगह पर चले जाते हैं ठीक है थीके? तो जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं पानी के संतुलन को बनाने रखने में सक्षम होते हैं यानी ये सभी होगा ठीक है क्या होगा ये सभी इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है सूक्ष्म द्वीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद कौन है बालू ला, लोहा या मशरूम आपने देखा होगा जंगलों में जो होते हैं पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं वहाँ पर आप बरसात के दिनों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मशरूम या जिसको लोग खुखड़ी कहते हैं वो निकलता है निकलता है कि नहीं निकलता है तो ये जो आपका यहाँ पर पेड़ पौधे ये जो पत्ते गिर गए थे ये क्या है मृत पेड़ पौधे हैं है ना तो मृत पेड़ पौधे या सड़े गले पौधे पर जो उगते हैं एक उत्पाद है उसका नाम मशरूम वहाँ पर मशरूम सबसे ज़्यादा उगता है ठीक है प्रदूषण का मुख्य कारण है प्रदूषण जो बढ़ते जा रहा है उसका मुख्य कारण क्या है ये प्रश्न भी आपका एक सौ एक बार पूछा गया है ठीक है वनों की कटाई वर्षा की अधिकता वनों की संरक्षण या बढ़ती वन की संख्या ठीक है तो प्रदूषण का मुख्य कारण यहाँ पर जो है आपको वनों की कटाई में आता है वनों की कटाई करने का कारण क्या हो रहा है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो वनों की कटाई होगा वनों की अधिकता से प्रदूषण नहीं होता है वनों का संरक्षण करने से भी प्रदूषण नहीं होगा और बढ़ती वन की संख्या भी नहीं होगा यानी प्रदूषण का कारण क्या है वनों की कटाई जो कर रहे हैं वही प्रदूषण को बढ़ा रहा है इसको रोकथाम किया जाना चाहिए तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा क्लास सेवन का एक्सरसाइज टेन का विज्ञान का आपको हमने दे दिया इसी तरह से आपको सारे चैप्टर वाइज हम यहाँ पर नोट्स और पी देते जा रहे हैं आप सभी जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और पी खरीद के पढ़ लेंगे जिससे आपको एक सौ प्रतिशत पर सफलता मिल जाएगी तो अभी यदि आपको वीडियो मिलता है तो अभी ही आप हमारे मोबाइल नंबर देख रहे हैं उस पर संपर्क करें और तुरंत जुड़ जाए वीडियो कं तक जुड़े रहे इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद